हेलो इंजीनियर्स, तो इस वीडियो में सीखेंगे मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें हम सीखेंगे ड्राइंग सेकेंडरी बीम्स, यानी सेकेंडरी बीम्स को कैसे ड्रॉ करते हैं हमारे ए टैब्स के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी बीम्स बनाने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सेकेंडरी बीम्स कहाँ कहाँ पर आएगा। तो देखिए, ये हमारा ऑटो कैड है। अब यहाँ पे सेकेंडरी बीम्स कहाँ कहाँ पे थे, देखिए हमारा जो ग्रिड प्लान था मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा सेकेंडरी बीम कहाँ पर है, हमारा एक सेकेंडरी बीम यहाँ पर है कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से 1700 mm के डिस्टेंस पे। फिर एक सेकेंडरी बीम यहाँ पर है वो कितने डिस्टेंस पे है, 1400 mm के डिस्टेंस पे। फिर ये सेकेंडरी बीम भी कितना है, 1700 mm के डिस्टेंस पे। और ये सेकेंडरी बीम भी कितना है, 1700 mm के डिस्टेंस पे। तो चलिए पहले हम ये सेकेंडरी बीम को बनाते हैं, किसका डिस्टेंस कितना है, 1400। तो जाएंगे हमारे ई टैब्स में और इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे हमारे, तो मैं यहाँ पे डाउन एरो को क्लिक करता हूँ, ये क्या गया हमारा प्लेन बीम आ गया। तो अब हमको प्लेन बीम में क्या बनाना है, सेकेंडरी बीम बनाना है। अब ये सेकेंडरी बीम अगर आपके सब फ्लोर पे क्या होगा, सेम होगा तो आप सेम बना सकते हैं, अगर डिफरेंट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं वन बाय वन करके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर समझ रहा हूँ, ये हमारी सेकेंडरी बीम सब फ्लोर पर आने वाली है। तो क्या करेंगे, और हमारे प्लान के हिसाब से भी हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है वहाँ भी क्या आने वाला है, सेकेंडरी बीम सेम ही आने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देखिए यहाँ पे वन स्टोरी लिखा है, यहाँ पे ऑल स्टोरी पे क्लिक कर देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बीम में जाएंगे, हम क्या करेंगे बीम में जाएंगे। तो यहाँ पे बीम में गए, फिर यहाँ पे देखिए प्लान ऑफसेट, यहाँ पे ऑफसेट दिख रहा है आपको। फिर क्या करेंगे, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे और कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है, यहाँ से हमारा कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट था, 1400। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 1400 लिखेंगे, क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट से ले रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1400 ही लिखा है। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे कॉलम के सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। फिर ये दूसरा पॉइंट है हमारे कॉलम के सेंटर का, उसको सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, एस्केप बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी बीम बन चुका है। अब क्या करना है हमको, देखिए मैं आपको प्लान में दिखाता हूँ। अब यहाँ से भी क्या है, एक सेकेंडरी बीम है वो कितने डिस्टेंस पे है, 1700, और यहाँ पे कितना है, 1700। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, जाएंगे हमारे ई टैब्स में और यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे, बीम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट में जाएंगे। अब इस पॉइंट के रेफरेंस में क्या है, नेगेटिव वाई है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव 1700। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेगेटिव 1700। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी बीम बन गया। अब सिमिलरली 1700 डिस्टेंस पे हमारा क्या है, यहाँ पे भी सेकेंडरी बीम है। क्या करेंगे, अब इस कॉलम के सेंटर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे भी देखिए सेकेंडरी बीम बन गया। अब देखिए हमको सेकेंडरी बीम कहाँ पे बनाना है, अब हमको यहाँ पे सेकेंडरी बीम बनाना है कितने डिस्टेंस पे, 1700 mm पे। तो जाएंगे हमारे ईटाइस में और यहाँ पे मैं बनाता हूँ। फिर क्या लूँगा, मैं बीम कमांड लूँगा। अब यहाँ पे ऑफसेट में क्या लिखेंगे, 1700 mm लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1700, क्योंकि इस पॉइंट के रेफरेंस में क्या है, ये पॉजिटिव वाई है हमारा। तो यहाँ पे 1700 mm लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इस कॉलम के पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और एस्केप बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑफसेट बन गया। अब कोई कोई लोग क्या करेंगे, देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कोई कोई लोग क्या करते हैं, पहले इस लेफ्ट साइड के पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करते, पहले राइट साइड को सेलेक्ट करते हैं, तो ये बीम क्या होगा, उल्टा बन जाएगा। आपको कभी भी लेफ्ट से राइट साइड में आपको सेलेक्ट करना है पॉइंट। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं फिर से बीम को लूँगा और यहाँ पर डिस्टेंस कितने लूँगा, 1700। अब ये 1700 क्या डिनोट कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव वाई में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप राइट साइड के पॉइंट को पहले सेलेक्ट करेंगे फिर लेफ्ट साइड के पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो ये उल्टा बनाएगा। देखिए राइट साइड के पॉइंट को सेलेक्ट किया, लेफ्ट साइड के पॉइंट को सेलेक्ट किया, देखिए ये क्या बना रहा है, उल्टा बना रहा है। इसलिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे फिर राइट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी बीम भी बन चुका है। अब देखिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा हमारा ग्रिड शो हो रहा है। अगर ये ग्रिड जो एक्स्ट्रा ग्रिड है ये शो नहीं होगा तो ये क्या होगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे ग्रिड्स थे एक्स्ट्रा वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। देखिए फिर इसको आप रोटेट कर सकते हैं इजिली।
यहाँ पे मैं देखिए आपको रोटेट करके दिखाता हूँ इसको। देखिए मैं इसको रोटेट करके दिखा, यहाँ पे सारे ग्रिड्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। और आपको वो फिर से देखना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेट ग्रिड विजिबिलिटी फिर से क्लिक करेंगे तो सारे ग्रिड्स आपको क्या फिर से दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आपने स्लैब यूज़ किया है आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है हमारा सेट डिस्प्ले ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट है आपको उस पर जाना है। फिर यहाँ पे अभी क्या है हम शेल देख रहे हैं यानी कि स्लैब है हमारा, तो यहाँ पे जाएंगे हमारे शेल असाइनमेंट में, और यहाँ पे सेक्शन देख रहे हैं आपको उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कोई स्लैब नहीं था क्योंकि यह क्या है हमारा स्टोरी वन है जो कि प्लेन बी में, तो यहाँ पे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ये क्या है रेफरेंस प्लेन है, देखिए जेड इक्वल टू 4.4 मीटर, तो यहाँ पे जो हमारा मिड लैंडिंग स्टेयरकेस का से वही दिख रहा है। फिर मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे जो स्लैब्स थे सारे वो यहाँ पे हमको विजिबल है प्रॉपरली, और यहाँ पे हमारा जो स्टेयरकेस का पोर्शन है वो भी दिख रहा है। फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा सेम आएगा हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, फिर ऊपर जाएंगे तो ये क्या गया हमारा रूफ आ गया हमारे टेरेस टावर का। तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो क्या करेंगे, सिंपली फिर से उसमें जाएंगे एड डिस्प्ले ऑप्शन में, और यहाँ पे जाएंगे असाइनमेंट में जाएंगे और इसको इसको अनटिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर जो अपने कॉलम्स और बीम्स फ्रंट किए हैं आपको उसका भी डायमेंशन देखना, तो क्या करेंगे फ्रेम असाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए जो भी आपने सारे सेक्शन प्रोवाइड किए हैं आपके बीम के वो भी आपको यहाँ पे शो होने लगा है। अगर हम इस 3D व्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं हमारे सेट डिस्प्ले ऑप्शन में, और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट असाइनमेंट में और फ्रेम असाइनमेंट में सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और सेल असाइनमेंट में भी सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और ओके भी क्लिक करते हैं, तो हमारे स्लैब में जो भी कॉलम बीम स्लैब थे उन सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी डायमेंशंस यहाँ पे लिख के आ जाएगी। लेकिन अगर ये देखने में क्या है अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं हम सेट डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं और इन सबको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अनटिक कर दूंगा, यहाँ भी अनटिक कर दूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। फिर इस पर भी क्लिक करते हैं और यहाँ भी क्या करते हैं इसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं मैंने ऑफ कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए अब ये देखिए ये इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है एक स्लैब की तरह एक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा वॉशरूम है और यहाँ पे क्या है हमारा किड्स रूम था। तो लेकिन यहाँ पे वॉशरूम जो है संकन स्लैब प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे संकन स्लैब थोड़ा सा क्या होता है नीचे होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इस स्लैब को डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्लैब को डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट किया हमने स्लैब को, फिर ये जो सेंटर फिर ये जो लाइन है जो डिवाइड कर रहा है हमारे दो स्लैब को क्या करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे फिर जाएंगे हमारे एडिट में, फिर एडिट शेल्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए डिवाइड शेल है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्टेड फ्रेम ऑब्जेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर आपको जो डिवाइड क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल्स एट उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो लास्ट है इंटरसेक्शन विद सेलेक्टेड फ्रेम ऑब्जेक्ट उस पर क्लिक करना है। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अब ये दोनों स्लैब क्या हो गए अलग अलग हो गए। सिमिलरली यहाँ भी हमको करना पड़ेगा, देखिए ये पूरा एक स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इन सभी बीम्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे हमारे एडिट में, फिर जाएंगे एडिट शेल में, डिवाइड शेल में, अब इस बार मैं आपको कुकी कट फ्लोर ऑब्जेक्ट एट सेलेक्टेड फ्रेम से करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। फिर देखिए ये स्लैब सारे क्या हो गए अब अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट फ्लोर का, लेकिन इसके ऊपर भी होगा तो क्या करेंगे ऊपर एरो पे क्लिक करेंगे, फिर इस पर भी क्या करेंगे सेम सेलेक्ट किया स्लैब को, बीम्स को सेलेक्ट किया, फिर एडिट में गए, एडिट में जाएंगे यहाँ पे एडिट शेल्स में डिवाइड शेल और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए सब अलग हो गए। फिर यहाँ भी वही करते हैं, एडिट में जाएंगे, एडिट शेल्स में जाएंगे, डिवाइड शेल और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे भी अलग अलग सारे स्लैब्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाली वीडियो से हम देखेंगे कि इसके अंदर लोड कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।